गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास नाइन्थ में मैथ के एक्सरसाइज 2.4 से आज प्रश्न आपका दिए जा रहा है। प्रश्न है, यदि 2x-1 बहुपद 2x³ प्लस px² प्लस 11x प्लस p+3 का एक गुणनखंड है तब p का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? p का मान क्या दिया रहा है प्रश्न में? क्या दिया जा रहा है? 2x-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो p का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, हम मान लेते हैं कि 2x-1 यह जो है बहुपद का एक गुणनखंड है। 2x-1 जो हमारा बहुपद दिया जा रहा है उस बहुपद का एक गुणनखंड है, जब उसका एक गुणनखंड है अतः 2x-1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना? 1/2 x इज इक्वल टू 1/2 आया, कितना आया? 1/2। तो x की वैल्यू हम लोग x का मान बहुपद में रखने पर तो चलिए बहुपद में इस मान को रख देते हैं। बहुपद हमारा दिया गया है 2x³ प्लस px² प्लस 11x प्लस p+3। x का मान बहुपद में रख रहे हैं, x का मान कितना? 1/2 निकाला गया है, तो x के स्थान पर हम लोग 1/2 रखेंगे। x गुणे 1/2 का क्यूब प्लस p गुणे 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 गुणे 1/2 प्लस p+3। तो आगे देखें, 2 गुणे 1/2 का क्यूब करेंगे, 1/2 गुणे 1/2 तो भिन्न का गुणा जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करेंगे, तो 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, बटे 2 का गुणा 3 बार 2 दूनी 4 4 दूनी 8। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्या गलत करते हैं? 2 का गुणा 3 बार करने के लिए कहा जाएगा तो 2 3 6 लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसको ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 1/2 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 1 1 ऊपर 1 आया और नीचे जो है 2 2 4 4 2 8 कितना आया? 1/8 हो गया। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 2 4 8 कट ही जाएगा, प्लस पी गुणे 1/2 का स्क्वायर 1/2 गुणे 1/2 तो हो जाएगा 1/4 प्लस 11 1 11 11/2 प्लस p+3। तो आगे वाली लाइन में देखेंगे आप लोग, यहां से लोगों को मिलेगा 1/4 1/4 प्लस p/4 प्लस 11/2 प्लस p
प्लस थ्री, थ्री अपान वन इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। इन सब का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हम लोगों को मिलेगा फोर, फोर वन जा फोर वन मिलेगा, वन वन जा वन वन मिलेगा, वन का मल्टीप्लाई पी में पी, टू टू जा फोर, दो दूनी चार होता है, ग्यारह दूनी बाईस, प्लस वन फोर जा फोर, फोर का मल्टीप्लाई पी में तो फोर पी होगा। आगे से मिलेगा वन फोर जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। चलिए बाईस और एक तेईस, तेईस बारह पैंतीस, कितना पैंतीस थर्टी फाइव, प्लस पी प्लस फोर पी प्लस फाइव पी इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई फोर हो गया, पैंतीस पी सॉरी पैंतीस प्लस फाइव पी इज इक्वल टू जीरो, फाइव पी इज इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस थर्टी फाइव अपॉन फाइव होगा, फाइव से अंजर थर्टी फाइव, माइनस था तो माइनस, पी की वैल्यू आप लोगों को मिल रही है पी इक्वल टू माइनस सेवन। क्वेश्चन में क्या पूछा था, पी का मान ज्ञात कीजिए, पी का मान निकला कितना माइनस सेवन, कितना आया माइनस सेवन। ठीक, नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न फिर बताते हैं। हाँ बच्चों, अब आप लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड की, क्या करना है गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के लिए कहा भी गया है कि मध्य पद विभक्त द्वारा, मध्य पद विभक्त द्वारा मध्य वाले पद को जो है उसे दो भागों में विभक्त करके जो है तब हम लोगों को इन प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। पिछली कक्षा में बताए थे आप लोगों को इसमें जो है घात के क्रम में पद को, यानी जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद को घात के क्रम में रखते हैं, किस क्रम में रखते हैं घात के क्रम में रखेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे घात के या घटते हुए क्रम में है जिसे बहुपद वाले क्रम का अवरोही क्रम कहेंगे। कौन सा क्रम होगा अवरोही क्रम, अगर इसी का उल्टा कर देते तो यह आरोही क्रम हो जाता, तो अवरोही क्रम में लिखने के बाद यह हमारा मध्य पद का जो एक्स पद की वैल्यू होती है वह जो है मध्य वाला पद है, और मध्य वाले पद को दो भागों में विभक्त करने के लिए कह रहा है, दो भागों में बांट करके गुणनखंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो दो भाग में बांटने के लिए हम लोग देखेंगे इस दो को ऐसे दो समूह में बांट देना है कि गुणा करने पर अचर वाला पद जो लास्ट वाला पद है उसके पद के उसके मान के बराबर आए, और जोड़ने पर उन्हीं दोनों संख्याओं को, दो संख्या हम लोग खोजेंगे, कितनी संख्या खोजेंगे दो संख्या खोजेंगे, उन दोनों संख्याओं में से उन दोनों संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल जो है माइनस तीन हो, और उन्हीं दोनों संख्याओं को या तो जोड़ें या तो घटाएं, जोड़ने या घटाने पर प्लस दो आना चाहिए। इसको जो संख्या हम लोग खोजेंगे, दो संख्या हम लोगों को खोजना है, दो भागों में विभक्त करना है इसको, तो दो संख्या खोजेंगे, दो संख्या खोज क्यों खोज रहे हैं, तीन संख्या क्यों नहीं खोज रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है यह दो घात का पद है, द्विघात समीकरण हुआ हमारा,
या द्विघात बहुपद हुआ, जितने घात का होता है उतने उसके शून्यक निकलते हैं, उतने पद निकलते हैं। तो दो घात का है उसका दो शून्यक निकलेगा। हम लोग दो संख्या यहाँ पर खोज रहे हैं कि दो संख्या खोजना है, गुणा करने पर माइनस तीन आए और जोड़ने पर या घटाने पर प्लस दो आए। तो संख्या देखिए जैसे हम लोग खोज सकते हैं तीन और एक, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या तो मिलेगी नहीं कि गुणा करने पर तीन आए। है कोई संख्या तीन तो नहीं मिलेगी, एक और तीन ही इसका फैक्टर बनेगा। तो तीन मिल गया, गुणा कर रहे हैं तो तीन मिल रहा है, लेकिन अगर इन दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो तीन एक चार हो गया, जोड़ने पर तो नहीं मिला है। अगर इसको घटा देते हैं तीन में से एक गए दो, गुणा करने पर तीन आया और जोड़ने पर तो नहीं आया लेकिन घटाने पर दो आ रहा है। तो हम लोग संख्या रखेंगे तीन और एक, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दोनों संख्याओं का चिन्ह भी क्या रखें, चिन्ह क्या रखें। जैसे अगर दोनों का चिन्ह हम प्लस प्लस रख देते हैं, दोनों संख्या का चिन्ह प्लस प्लस रख देते हैं, तो आपको शर्त बताई गई कि प्लस में प्लस का गुणा करेंगे प्लस आएगा, तीन कनम तीन हुआ, और प्लस प्लस रहने पर जब इसको जोड़ेंगे संख्या तो जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह भी जो है प्लस का आएगा, तीन एक चार हुआ। और अगर इसका चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस कर देते हैं, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तीन कन्न तीन प्लस तीन हुआ। और माइनस माइनस रहने पर यदि उसको जोड़ने के लिए ऐड करने के लिए कहा जाता है तो तीन और एक चार हो जाएगा, चिन्ह माइनस का होगा। तो न तो प्लस से ही मिल रहा है और न ही माइनस से मिल रहा है। अगर इन दोनों में से हम एक का चिन्ह प्लस कर दें और एक का माइनस कर दें, प्लस और माइनस, प्लस माइनस में जब गुणा किया जाता है तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। और माइनस प्लस रहने पर आपको यह भी बताया गया है जब उसे जोड़ने के लिए कहा जाता है, माइनस प्लस रहने पर जब उसको जोड़ने के लिए कहा जाता है तो माइनस प्लस रहने पर या प्लस माइनस रहने पर संख्या को घटा देते हैं, संख्या जो है आपस में घट जाती है, तीन में से गए दो। और साइन जो होता है, चिन्ह जो होता है, वह बड़ी संख्या का चिन्ह रखते हैं। इन दोनों में से बड़ी संख्या जो होगी उसी का साइन यानी चिन्ह यहाँ पर रखेंगे। इन दोनों में से बड़ा तीन है तो तीन का चिन्ह माइनस है तो माइनस चिन्ह रखेंगे। अब देखिए गुणा करने पर माइनस तीन आया लेकिन घटाने पर भी, घटाने पर दो आया लेकिन माइनस आ रहा है, तो यह कंडीशन हमारे यहाँ से बदल जा रही। हम लोगों को जोड़ने के लिए यानी मध्य वाले पद का जो चिन्ह है, जो घटाने पर संख्या मिल रही है उसका चिन्ह प्लस लाना है। तो प्लस लाने के लिए आपको यहाँ पर अभी कंडीशन शर्त बताई गई कि प्लस माइनस रहने पर घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह रखता है। तो इस चिन्ह को आपस में यदि हम लोग बदल दें, प्लस तीन और माइनस एक, प्लस माइनस रहने पर घट गया और चिन्ह बड़ी संख्या का दो हो गया, और यहाँ चिन्ह बदल दीजिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, तीन कन्नम तीन, प्लस में माइनस का गुणा करते हैं माइनस होता है। तो संख्या आप लोगों को मिल रही प्लस थ्री और माइनस वन। तो मध्य वाले पद के स्थान पर जो उसका गुणांक है मध्य वाले पद का यानी चर पद जो है उसको मध्य वाले पद के साथ लगा करके उन संख्याओं को हम लोग रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर संख्या हम लोगों को मिली कितना, प्लस तीन मिला था, इसके साथ चर पद एक्स है तो तीन एक्स, दूसरी संख्या माइनस एक है तो माइनस एक माइनस तीन। कॉमन कर लेते हैं, पहले तो पेयर बना दिए दो दो, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स हुआ चार पद हो गया। तो चार पद में से दो दो पद का पेयर बनाए
पेयर में से जो हम लोग कॉमन करेंगे न्यूनतम पद खोजेंगे तो यहाँ से यक्ष मिल रहा है दोनों में, इसमें अचर पद है, इसमें अचर पद नहीं है, तो यक्ष को कॉमन कर लेते हैं। यक्ष कॉमन हुए यहाँ से तो बचेगा कितना, यक्ष प्लस थ्री। यहाँ से माइनस एक कॉमन करते हैं, इसमें यक्ष है इसमें यक्ष नहीं है, यहाँ माइनस एक है यहाँ माइनस तीन है, तीन का गुणनखंड करेंगे तो एक गुणे तीन लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम लोग कॉमन एक निकाल ले रहे हैं। एक कॉमन, कॉमन का अर्थ होता है भाग देना, तो माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, एक कॉमन हो गया तो यानी प्लस मिल गया कितना, यक्ष। माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस होगा, तीन में एक से भाग देंगे तीन ही आएगा, यक्ष प्लस थ्री और यक्ष माइनस वन। यह क्या हुआ, बहुपद का गुणनखंड हुआ। कैसे हुआ, मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को दो भागों में विभक्त करके इसका गुणनखंड किया गया, कितना आया आप लोग देख रहे हैं, यक्ष माइनस वन और यक्ष प्लस थ्री। इसी तरह से एक और देख लीजिए, एक आप खुद से करिएगा इसको, इसे खुद से आप लोग करेंगे। चलिए इसको जब ध्यान दीजिए, जब पहले पद में पहले द्विघात वाला जो बहुपद बन रहा है, द्विघात का पद है, इसके साथ यदि कोई गुणांक अचर पद का लगा हुआ है तो उस अचर पद का अंतिम वाले पद में गुणा मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, गुणा मान लेंगे, लेकिन उस गुणा को कहीं लिखेंगे नहीं, केवल उसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे। कैसे, जैसे तीन का गुणा छह में, तो तीन का गुणा छह में करेंगे तो तीन छह अठारह। अब इस अठारह को कहीं लिखना नहीं इस प्रश्न में, केवल अपने दिमाग में यह रखना है कि यह जो है माइनस छह नहीं बल्कि माइनस अठारह है। कितना है, माइनस अठारह, इसको माइनस छह नहीं दिमाग में रखना है, इसको अपने मन में जो है माइनस अठारह लेकर के जो है इसको सॉल्व करना है, हल करना है। अब देखिए जब यह माइनस अठारह हो गया तो हम लोगों को दो संख्या खोजना है कि गुणा करने पर माइनस अठारह आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो प्लस सात आए। कितना आए, प्लस सात आए, तो वह संख्या हम लोगों को मिलेगी नौ और दो। नौ और दो, नौ में दो का गुणा करेंगे तो नौ दूनी अठारह हो जाएगा, और नौ में से अगर दो को घटा देते हैं तो नौ में से दो है सात। बड़ी संख्या का चिन्ह अगर हम उसमें से प्लस कर दें, छोटी संख्या का चिन्ह माइनस कर देंगे तो इसका गुणनखंड आसानी से हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं थ्री एक्स स्क्वायर। देखिए जहाँ जैसे टर्म है वैसे केवल संख्या खोजने के लिए हम लोग अंतिम पद में गुणा मानते हैं, तो तीन एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स माइनस दो एक्स माइनस छः कॉमन करिए। यहाँ से तीन एक्स कॉमन करेंगे तो बचेगा एक्स प्लस तीन त्रिका नौ तीन। माइनस दो कॉमन कर लेते हैं, यक्ष प्लस दो तिहाई छः, यक्ष प्लस तीन दोनों में कॉमन हुआ और बचा कितना, पहले में थ्री एक्स कॉमन किया गया था, दूसरे में माइनस दो कॉमन किया गया था, तो इस वाले पद का जो बहुपद दिया गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्स, इसका गुणनखंड किया गया तो इसका गुणनखंड आया है थ्री एक्स माइनस टू और यक्ष प्लस थ्री। ठीक है, 3x माइनस टू और x प्लस थ्री, यह आपका आंसर आया है। एक प्रश्न आपको खुद से करना है, यदि न समझ पाए तो अगले वीडियो में आप लोग फिर संपर्क करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।